इधर भोपाल में दिन दहाड़े वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सूफिया मस्जिद के पास से वाहन को चुराया है। बताया जा रहा है कि दो चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और चोरी करते हुए आरोपी पकड़े गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इस वारदात का सामने आया है। तो राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक वाहन को चुराकर आरोपी फरार हो गए। पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है और अब इसी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में है। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कब तक पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों आरोपी आ जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी में ये कैद हो चुके हैं, और किस वक्त ये वारदात हुई है ये भी जानना चाहेंगे। जी जी, यह वारदात सोमवार की सुबह 9:30 बजे हुई है और सूफिया मस्जिद के सामने से वारदात को दो चोरों ने अंजाम दिया, जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तस्वीरों में आप इस देख सकते हैं कि दो चोर हैं, वो चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके के अलग अलग जगहों पर राजधानी भोपाल में आज वाहन चोरी की वारदातें भी दर्ज हुई है। अब इन्होंने चोरी करी कि अन्य चोरों ने की है, यह तो इनको पकड़ाने के बाद ही सामने आ पाएगा। यह देखना होगा कि पुलिस इन्हें कब तक पकड़ लेती, क्योंकि इनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए। अब इनकी पहचान पुलिस को करना है और उसके बाद जल्द ही पुलिस दावा कर रही कि इन दोनों को पकड़ लेंगे। वहीं वाहन मालिक ने भी इनाम घोषित किया है, जो भी इन चोरों के बारे में बताएगा तो वो उसे उचित इनाम देगा। जी शुभांगी, चलिए धन्यवाद दीपक जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की तलाश की जा रही है।